शासन का पहचान है कि शासन का कहा जाएगा किसका तबियत खराब होगा जनता। नीतीश के जनता दरबार में फरियादी अचानक क्यों करने लगे हंगामा। जनता दरबार के बाहर लगातार पंजाबी पहुंचे थे और उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। इसके बाद फरियादी ने गुस्से में नियंत्रण कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिनके समझ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं आता या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो मुख्यमंत्री से किस तरह मिलेंगे। उन्होंने जो नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सचिवालय थाना की पुलिस वहाँ पहुँची और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की और फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद एएसपी सचिवालय काम्या मिश्रा पहुंची और उन्होंने फरियादियों को समझा बुझाकर अपनी समस्याओं को जल्द निवारण का आश्वासन दिया, जिसके बाद फरियादी शांत होकर अपने घर को लौट गए। फरियादियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 2 महीने तक नंबर नहीं आता है। लगातार फरियादी रजिस्ट्रेशन के बाद खाली हाथ लौट रहे हैं, जिसके बाद आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें नियंत्रण कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। कहा जाएगा जनता दरबार कहा जाएगा किसका तबियत खराब होगा जनता मुख्यमंत्री देखेंगे, कौन देखेंगे इतना बारिश में। शराबबंदी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पीके जाते हैं। पुलिस पर ही उसका क्या गया बिहार में बंद है, कहाँ बगल में बनता है। 50 रुपये में बोतल मिलता है, 50 में मिल जाता है। हम पीने जाते हैं यहाँ से, वहाँ बंद है।